गांव रूपाहेली के ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत का ज्ञापन नीमच कलेक्ट्रेट में दिया। मंगलवार को बड़ी संख्या में जावद तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव रूपाहेली के ग्रामीण नीमच कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर मयंक अग्रवाल के नाम एक शिकायती ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि गांव की शासकीय भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। शासकीय भूमि पर कब्जे के साथ साथ उन्होंने पट्टे की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। अतिक्रमणकर्ताओं ने शमशान घाट, पेयजल कुएं, गोचर की जमीन आदि स्थानों पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अभद्रता की जाती है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, धमकाया जाता है। वहीं मामले में अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।